बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। क्या हाल है जनाब प्यारे दोस्तों का? उम्मीद है आप सारे खुश राजी होंगे और दुआ है कि अल्लाह पाक आपको दे सेहत तंदरुस्ती और दीन इस्लाम की सच्ची और कामिल मोहब्बतें। अल्लाह पाक आपको दे दोनों जनों के डेरों डेर कामयाबियाँ कर जाएगा। लोग शुरू जैसा कि यार आप जो पीछे देख रहे हैं रैपर वाली ट्रैक्टर खड़ी हुई है जनाब, क्योंकि ये कम खर्च बाला नशीन गाड़ी है जनाब। महंगाई इतनी है कि बस हर बंदा बचत करे थोड़े थोड़े करके तब नहीं सब बनता है जनाब। ये जनाब रैपर के साथ है, कटाई करा रहे हैं तकरीबन कोई 2.5 एकड़ गंदम है अपनी। कुछ टूड़ खरीद रहे हैं तो कुछ अपनी, ये भी इंशाल्लाह साथ में काम दे जाएगी हल्का फुल्का। ये भाई लगे हैं कोई इधर से जो तकरीबन 1 एकड़ की कटाई मुकम्मल हो चुकी है। ये 1 एकड़ ये सामने वाला है, इसके बाद 1 बीघा जो वो पीछे आपको नज़र आ रही है जनता जनाब, जो सामने वाला टोटा है ना ये कटाई हो चुकी है, इसको बांध रहे हैं। तो भाई इस पर भी निकली जलेबी और चाय लेके आ रहे हैं, अभी वो खा पी के थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे। तकरीबन उम्मीद है आज इंशाल्लाह सारी कटाई हमारी मुकम्मल हो जाएगी। अगर मौसम ने साथ दिया तो आए कि धूप लग गई या कल परसों इंशाल्लाह इसकी जो है ना तूड़ी बना के फिर अंदर ले जाएंगे, क्योंकि मौसम आजकल जो है ना बस कभी बादल आ जाता है कभी बारिश भी चंद्रा भी पड़ा है। बाकी अल्लाह पाक ने जो रिजक लिखा वो इंशाल्लाह मिल जाएगा। तो भी इंशाल्लाह ये मामला चल रहे हैं, अल्लाह पाक खैर करेगा जनाब। तो ये दोस्तों जनाब इस तरह के ये जो हल्के हल्के परोठे हैं ये बना के तो बांध देते हैं, फिर उठा के यहाँ दूसरा गवाही वाला सिस्टम हो जाता है। अभी जनाब इनके चाय पहुँच चुकी है, तो ये चाय पीते हैं, उसके बाद आगे ये वाला जो सामने एकड़ है टोटली ये लाइन जो है ये, इसके बाद 1 बीघा वो जहाँ पर चाय पी रहे हैं वहाँ पे है। फिर जनाब अल्लाह खैर करेगा कंप्लीट हो जाएगा सिस्टम। गंदम जो है ना इस तरह भी कुछ ना कुछ तो ज़ाया हो जाती है, बस ये निज़ाम ऐसे भी तूड़ी की मजबूरी होती है। वैसे तो कंपेन वाला सिस्टम दस्ती हो जाता है यार, बाकी ये भी निज़ाम इस तरह ही है, सारे मामला चल रहे हैं। जा ये अभी जनाब जा रहे हैं चाय जलेबी खाने के लिए पीने के लिए, उसके बाद आके जनाब लग जाएंगे। लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है कि मौसम ठंडा है, नहीं तो पिछली दफ़ा बहुत बड़ी गर्मी थी जी, आवाज़ चल रही है अल्लाह करे नहर ना आ जाए, नहीं तो ये सारा सिस्टम ये देखिए अभी लाइनों में पड़ी हुई है ना कि नर मार के इसको पाला जोड़ जाए। तो चलो अल्लाह खैर फेसरमा जनाब, ये लगे हुए हैं बेचारे दोस्तों माशाल्लाह से सारे तकरीबन 8 भाई लगे हुए हैं इधर, चाय शाय पी ली इन्होंने जलेबी गट्टा शट्टा, क्योंकि होता है गंदे में हल्का फुल्का तो वो जो है इनका उतर जाएगा। और तकरीबन जो है ना इन्होंने 1 बीघा मुकम्मल रखा था जो है ना, तकरीबन 6 कनाला जो है ना तकरीबन बांध लिया आईडिया के तौर पे। उसके बाद ये सामने वाले 2 टोटे, उसके बाद ये वाला जो सामने है, इसके बाद ये 2 टोटे आ गए हैं वो बड़े भाई के। ऊपर से देखे अभी बिल्कुल धूप थी, अभी फिर बादल बना है। इस दफ़ा जो है ना बादल का और जट्टों का जनाब बड़ा सिलसिला चल रहा है। जब धूप निकल आती है तो अल्लाह ताला को पूरे याद है, जहाँ बदल बनना या अल्लाह तेरे ही आसरा ये सबाब बने हैं जनाब जट्टा ना बिना। चलो अल्लाह पाक ऐसे बने से याद करने हुए तो फिर पूरा ही ऐसी करते थे। हाँ अल्लाह ताला तो सुवाके नहीं याद करना, पर जैसे सख्ती आँदी है मुंड बंदा दिल हो याद करे, चंद्रा पे मैं ना मुलख रोंदा या अल्लाह माफी दे। तो जब धूप निकल आती है तो फिर बस काम में मशगूल हो जाए तो फिर रोशनी हूँ बदल बने जनाब या अल्लाह तेरे ही आसर। अभी इंशाल्लाह चलो जो जो अल्लाह का हुक्म हो जाएगा अल्लाह पाक साहब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए जनाब भाई लगे हुए फिर। तो ये दोस्तों उधर जनाब गंदर से वापसी पर मैं आया हूँ, तो माशाल्लाह से इरफान भाई ने ये कबूतर पकड़ा है बड़ा कमाल जनाब, प्यास इसको लगी हुई यार बच्चों वाला लगता है कबूतर। आपने कमेंट करके बताना है बच्चों वाला या अभी उड़ाई कर सकता है। देखिए अभी ये हो करा है क्योंकि भाई फ्रेश पकड़ा है इसको ना, बहुत ज़्यादा इसको जनाब लगी हुई अपना क्या कहते हैं गर्मी लगी है, पानी शानी इसने पी लिया एक बार हल्का सा, मजीद इसको ठंडा पानी डालते हैं थोड़ा सा सांस ले लेना ये ना कि जुड़ छुड़ जाए। दूधी भाई भी दूध लेने के लिए आ चुके हैं, तो ये इंशाल्लाह जो है ना इसका मामला सीधा हो जाएगा अल्लाह खैर करेगा। तो कबूतर वैसे बहुत ही अच्छा है बच्चों वाला भी हो तो शाह सरा कबूतर, काफ़ी लंबाई इसकी काफ़ी ज़्यादा है, चुवाई गाय के मुकम्मल हो चुकी है, पानी शानी पी के ना मक्खी के वजह सारी जनाब अभी धूप में जाग बैठी हुई है, हालांकि ऊपर से गर्मी काफ़ी है लेकिन मक्खियाँ इनको तंग करती हैं ना, तो ये धूप में जाके बैठती हैं, धूप में मक्खी जो है कम बैठती है। जनाब वर्द को भी इधर से ट्रांसफ़र किया हुआ बाहर आ जाए, हल्की फुल्की हवा आती है, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं, अगर गर्मी तो फिर उसको अंदर ही रखते बाहर ही नहीं निकालते। और ये भी नहलाने वाला हो चुका है इंशाल्लाह, कबूतर चेक कर लिए इन्होंने जनाब। हाँ जी ठीक है कबूतर जनाब अच्छा है माशाल्लाह से, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं कटाई शटाई कर गए। और ये सोबे जनाब गंदम बांधने के लिए माशाल्लाह से, ये देखें जनाब बड़कियाँ लगा रहे हैं माशाल्लाह से, ऐ तुहाडी खैर हो जाए। तो बहुत ही प्यारा कबूतर है माशाल्लाह से, कुछ ये बैठे हैं सुकून के साथ, मिक्स नस्लें सारी माशाल्लाह से प्यारी हैं। ओए मुर्गे जनाब सारे बाहर निकल चुके हैं, मुझे याद नहीं रहा दरवाज़ा बंद करना, इन्हें ला के उसन यात्रा आई इंद्रवाड़ी, सारे के सारे जनाब बाहर निकल गए हैं, तो बंचू फेर के इन सबको अंदर लेके आते हैं।
ये भी माशाल्लाह बड़ी प्यारी है, इसका जो घर वाला है वो एक्सपायर हो गया था। लॉन में वैसे ना बर्ड्स बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं, लेकिन ये पौधे बहुत ज़्यादा ख़राब करते हैं। चलो अंदर, शाबाश, फील आ रहा तुम्हें। चलो चलो, काका भी जनाब आ गया। चलो 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 भाई, चलो शाबाश, ये अल्लाह का शुक्र है, अभी उनको समझ आ चुकी है। जब थोड़ा सा पीछे से इनको खचकाए मचकाए तो अंदर चले जाते हैं। दरवाज़ा अभी बंद कर दीजिए, अल्लाह अल्लाह तक खैर सल्ला। जी दोस्तों, अभी माशाल्लाह से अपने फार्म पे आए हुए हैं, जो नया अल्हम्दुलिल्लाह बन रहा है। तो ये देखिए माशाल्लाह भाई मोहम्मद अमीन साहब जो है ना, ये जो 20 फुट हमारी खुरली है ना सारी, ये अल्हम्दुलिल्लाह कम्प्लीटली इसको कर रहे हैं। तकरीबन इसका जनाब एक हिस्सा हो चुका है, बाकी 2 हिस्से बकाया इसके बच चुके हैं। और ये जो आपको लाइनें सी नज़र आ रही हैं, ये 2 फिट फीडिंग एरिया है। यहाँ पर जनाब मार्बल लगवाना है, वो भी आज ऑर्डर दे दिए, 600 फुट लगेगा। कोई 150 फुट की लंबाई है, तो 600 कह रहे हैं वो लग जाएगा दोनों साइडों पर। तो ये देखे भाई जान माल मता मिक्स करके लेके आ रहे हैं। ये देखे जनाब, ये पेन और थोड़ी सी जो अद्दी डाउन की बजरी है वो मिक्स की हुई इन्होंने। तो भाई अमीन साहब जो है ना लेवलिंग के साथ इसको, क्योंकि ये साइड वाला इन्होंने लगा लिया हुआ है, तो इसी लेवल के साथ जनाब ये बड़ी सी इनके पास वो है जो घास जो है, तो इस साइड से भी तोड़ ऊपर चढ़ जाता है, उस साइड से भी उसी हिसाब से सारा नीचे लेके आ रहे हैं। ये उम्मीद है इंशाल्लाह आज इनका ना शाम तक कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि मौसम भी ठंडा है और माशाल्लाह खुश्क है, और गंदम की कटाई भी हमारी माशाल्लाह से हो चुकी है। हो सकता है तो कल जो है ना वो सिस्टम लगा रहे, अभी तक ये जनाब ट्रैक्टर पे बैठे हुए हैं, जनाब लगे हुए हैं वक्त तक, तकरीबन कोई थोड़ा ही इनका काम रह गया कटाई वाला ना, तो बाकी इंशाल्लाह फिर देखते हैं क्या बनता है। दोस्तों माशाल्लाह इधर जो सिमलू का बूटा है ना, सिम्बल का, ये देख काफ़ी इसकी हाइट है। तो माशाल्लाह अल्लाह ताला भी देखें इंसान से कितनी मोहब्बत करते हैं, कुदरती तौर पर जनाब ये सेंटर में आ चुका है। ये देखें, ये देखिए शेड है यहाँ से लेके वहाँ तक, और ये सामने खुली है सेंटर में, ये दरख्त अल्लाह पाक का देखिए ऐसा निज़ाम है कि सेंटर में आ गया ये। तो अभी इसकी छाँव में सारा दिन ये मशीन चलाते रहते हैं आराम सुकून के साथ, गर्मी से इनकी काफ़ी सेफ्टी हो जाती है। या मेरे मालिक थोड़ी शाना ने, तो इसके बाद जनाब अल्लाह पाक खैर फरमाए, आज ये तकरीबन उम्मीद है कच्चा इनका हो जाएगा। और बारिश की वजह से ये देखिए कितनी गर्लें पड़ चुकी हैं काफ़ी ज़्यादा, यहाँ पर भी साइड पे जो कोई इंटे या ब्लॉक लगा के इसको रोकना पड़ेगा, देखिए बहुत ज़्यादा बारिश, क्योंकि कच्ची बरती है तो मसला बन रहा है। बाकी ये एरिया ओपन एरिया है, इसके साथ भी जो है ना दीवार जो बनी हुई है इसके ऊपर भी कोई गार्डर वगैरह लगाना पड़ेंगे या पाइप, तब ये गाय बाहर आ सकती हैं। तो फिलहाल तो ये मसला करेंगे इंशाल्लाह, ये जो जगह यहाँ पर कोई सैलेज वगैरह जो है ना उसका सेफ्टी वाला सिस्टम बनाते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे। एक दरख्त ये भी श्री का भी यहाँ पे आ गया, ये भी सेफ़ हो गया, तो इसकी भी माशाल्लाह से काफ़ी छाँव बन जाएगी। तो गंदम वाले भाई लगे हुए हैं, एक बार इनके पास चल के इनका भी हाल अहवाल पूछते हैं कि काम कितना रह गया इनका भी, फिर ये इंशाल्लाह 3.5 एकड़ की थोड़ी 2-2.5 एकड़ अपनी गंदम थी, और ये एक जो एकड़ जिसमें लगे हुए हैं ये वाला लंबा, और ये सामना ये बड़े भाईजान का है, तो वो भी कहते हैं कि आप थोड़ी बनवा लें, तो इंशाल्लाह वो भी बनवा लेते हैं, बाकी मामला फिर बाद में देखते हैं। चल अभी थोड़ा थोड़ा बैड़ा पड़ रहा है, ये देखिए पीछे से स्लो ही जा रहा है, प्लेटें भी लगवानी है अभी इंशाल्लाह, आज इनके पोल खड़े करते हैं बाद में प्लेटें लगवा लेंगे। गंदम ये माशाल्लाह भाईजान की भी अच्छी है, ठीक माशाल्लाह से, बाकी वो लगे हुए सारे अभी काम उकाते हैं इंशाल्लाह। ये दोस्तों अभी जनाब आए हैं भाई शफाक के पास, तो आज जनाब लेबर की इतनी कमी है कि जनाब देखे माशाल्लाह खुद भाईजान लगे हुए हैं यार, साथ इनकी मेहरबानी है, क्योंकि जो हमारा शेड बन रहा है जैसे कि आपको पता है सारा माल भाई साहब से ले रहे हैं, तो अपने बड़े भाई हैं ये, तो ये जो मसला बन गया कि रिक्शे पर आती है सिर्फ एक मुठ बजरी की और उसका किराया बहुत ज़्यादा लंबा काम हो जाता है, इसलिए ट्राली हमारे पास अवेलेबल थी, तो मैं आया हूँ इनके साथ, भाई इमरान भी आए हुए हैं और इरफान तो चला गया चुवाई का टाइम है, मोहसिन भाई ये पानी पी रहे हैं ये भी साथ आए हुए हैं। तो अभी इंशाल्लाह तकरीबन इसकी लो वाली जो बाडी है ना यहाँ तक हमने ये बजरी इसके ऊपर लोड करनी है, ट्रैक्टर में तेल डलवाने के लिए भाई असगर जा चुके हैं, वो भी जुवाक ले आते हैं, तो फिर यहाँ से लेके निकल जाते हैं, फिर उम्मीद है इनका फर्श पक्का हो जाएगा। तो आज मौसम भी जो है ना साफ़ है अल्हम्दुलिल्लाह, गंदम की भी कटाई शटाई बड़ी ज़ोरों शोर से हो रही है माशाल्लाह, कुछ 4 एकड़ का और जो है ना बहुत थोड़ी वो ख़रीद ली है, वो भी इंशाल्लाह कल उम्मीद है उसकी ढुवाई हो जाएगी। तो अल्लाह पाक आपको दे सेहत तंदरुस्तियाँ, अपनी दुआओं के साथ आज की वीडियो यहाँ पर मुकाते हैं, अल्लाह पाक आपको दे दोनों जानों के ढेरों ढेर कामयाबियाँ, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, और जो बहन में चैनल पर नए या चैनल को भी सब्सक्राइब किया करें, तो खुश रहें इस तरह बस रहिए, कबूतरा का जाल देख लें दुआओं के साथ और ये कबूतर दिखाने के साथ साथ। ओके अल्लाह हाफिज़ जनाब।